मोटरसाइकिल से पूरे भारत का यात्रा कर रहे हैं, बहुत हिम्मत की बात है। कहाँ कहाँ? तो होटल को अलविदा कहते हुए हम निकलते हैं अपने मंजिल के ओर। राधे राधे सीताराम। सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग, और आप सभी को झारखंड टू ऑल इंडिया साइकिल यात्रा में स्वागत है। तो अभी मैं जा ही रहा था और भाई साहब मिले हैं। भाई साहब, कौन सा है भाई? ये NH13 है। अच्छा। और ये चौपारण का, ये चौपारण है और ये आपको बिहार लेके जाएगा। अच्छा। आपका नाम क्या है? सुनना। अंकित पांडे। और आपका भाई साहब? शमशाद आलम। अच्छा। कहाँ रहने वाले हैं? हम चतरा जिला का रहने वाले हैं। अच्छा। यहाँ पे चौपारण में काम करते हैं। अच्छा, शुक्रिया मिलने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू आपको भी दिल से। ठीक है, ठीक है सर। ओके। तो अभी मैं एक होटल में रुका हूँ खाना खाने के लिए, और ये रहा होटल है। और अभी मैं खाना खाकर आपसे इसे बात करता हूँ। सबसे पहले अभी मैं खाना खा रहा था और बातें कर रहा था अंकल जी से। अब पता चला कि हमारे ही गांव के हैं और वो भी न्यू गांव के। तो बोलिए कुछ अंकल जी, कुछ तो बोलिए अपने गांव के बारे में। ससुराल हुआ था माधव यादव है। तो अंकल जी कैमरा देखकर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो भाई साहब, खाना पीना हो चुका है और निकलते हैं अब अपनी यात्रा की ओर। तो चौदाहा थाना से निकल चुका हूँ और आगे है बिहार झारखंड बॉर्डर। आप सभी को दिखाता हूँ और झारखंड को बारा बोलेंगे। और झारखंड से काफ़ी सारा प्यार मिला और देखते हैं बिहार में कितना प्यार मिलेगा। तो एक भाई जी मिले हैं। आपका नाम क्या है भाई जी? महेंद्र कुमार हुआ। और कहाँ थे आप? झारखंड बॉर्डर के। अच्छा, कहाँ कहाँ रहिए? मेरा होटल है। तो थैंक यू आपसे मिलने के लिए, शुक्रिया। तो लगभग 6 से 7 किलोमीटर राइड कर चुका हूँ और काफ़ी ख़तरनाक व्यू है। और आज ज़्यादा धूप है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, धूप को भी मात देंगे। तो अपने झारखंड को अलविदा कहते हुए और बिहार बॉर्डर पार करने के बाद अभी मैं फल्गु नदी के पास हूँ और काफ़ी अच्छा व्यू है। अब निकलते हैं। अरे रही मेरी साइकिल। बिहार में एंट्री लेने के बाद रास्ता अच्छा था, लेकिन धूप बहुत है। 20 से 25 किलोमीटर राइड कर चुका हूँ और यहाँ से बोध गया लगभग 41 किलोमीटर बचा हुआ है और 12 बज चुका है। देखते हैं पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। और मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ और मैं खा रहा हूँ ब्रेड, और कल दीदी ला दी थी खीर मोहन, वो खाऊंगा और फिर पानी पीऊंगा और फिर यहाँ से निकल जाऊंगा। तो लगभग 20 मिनट रेस्ट करने के बाद निकल रहा हूँ बोध गया के, और यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर है। देखते हैं कितना टाइम लगेगा पहुँचने में। चौपारण से लगभग 30 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। बरचाती इस गांव का नाम है। भाई जी मिले हैं। ये कौन सा गांव है? इसका गांव का नाम शोभ है। शोभ शोभ। और डोभी कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? यहाँ से डोभी होगा 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। और बोध गया? बोध गया तो ज़्यादा दूर होगा यहाँ से। कितना? फिर भी 35। 35 ना। आपका नाम? मेरा नाम साकिब अंजुम है। आपका? मोहम्मद अजमल। शुक्रिया मिलने के लिए। ठीक है, फिर मिलेंगे। ठीक है। तो अब मैं डोभी में इंटर करने जा रहा हूँ। बोध गया स्वागत है। 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया। 3 दिन में कहाँ कहाँ कर लिए? चतरा से निकले हैं, हजारीबाग, चौपारण, वहाँ आ रहे हैं। कहाँ से हैं आप? हम तो यहीं गया से ही हैं। गया से? अच्छा, डोभी कितना किलोमीटर होगा? डोभी तो आ गए हैं ना? हाँ, डोभी तो अब आ गए हैं। और बोध गया? बोध गया
कितना किलोमीटर होगा यात्रा? 30 किलोमीटर पड़ेगा। जयंत भैया जी, इनका नाम भैया जी, जयंत भैया जी, चैनल का नाम हुआ ना, चैनल का नाम। और मेरा नाम भी वही है। आपका नाम क्या है? वस्तु ना हमारा अमित उपाध्याय। अच्छा, और आप दोनों का? विपुल। आपका? शुक्रिया मिलने के लिए, थैंक यू। यहाँ से जाइएगा ना, दो दो पुल पर कीजिएगा, उसके बाद पुल के नीचे तीसरा पुल के नीचे दाहिने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप सबसे बड़ी बात है कि आप इतना साइकिल से पूरे भारत का यात्रा कर रहे हैं, बहुत हिम्मत की बात है। कहाँ कहाँ घूम रहे हैं? घूमे अभी 3 झारखंड से निकले हैं, अपना चतरा जिला कौन सा जगह? हाँ, पथनगढ़ा। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं प्रदूषण से मुक्त। जगह पहुँचे नहीं? जय हिंद सर, जय हिंद सर। ऑल इंडिया को मेरा। हाँ, पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नंदन हुआ। कहाँ से हैं? गया सोला के ग्राम से। अच्छा, रास्ते में देखे आपको अच्छा लगा? शुक्रिया, ये काम किया, शुक्रिया। और हैप्पी जर्नी, शुक्रिया लेते हैं। तो भाई, आपका भाई को बिहार में भी उतना ही प्यार मिल रहा है जितना झारखंड में मिल रहा था, और काफ़ी सारे मिले, और यहाँ तक कि बिहार पुलिस भी मिले और अच्छी तरह से बात भी किए, भले ही मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो जो भी मैं पहुँचने वाला हूँ और पहुँच ही गया, बस इस पुल को पार करते हैं। इस पुल का नाम पता नहीं है हमको, लेकिन काफ़ी बड़ा पुल है, देखते हैं, किसी से पूछते हैं। अंकल जी, नदी का नाम क्या है? नीलाजन। क्या जी? नीलाजन नदी। अच्छा, और डोभी पहुँच गया हमको, आगे मोड़ पर डोभी है। शुक्रिया अंकल। हमें इस जर्नी से कुछ मिले या ना मिले, लेकिन एक बात ज़रूर है, बिहार हो या झारखंड, सभी लोगों से प्यार बहुत मिल रहा है। हमको यहाँ से लेफ्ट लेना है, एक दिल्ली जाएगी, और हमें इस रास्ते से जाना पड़ेगा बोध गया। और डोभी मोड़ से निकल चुका हूँ अभी, और सीधे बोध गया के लिए रवाना हो चुका हूँ। यहाँ लिखा हुआ ज्ञान एवं मोक्ष भूमि गया में आपका हार्दिक स्वागत है। तो थैंक यू बोध गया के देवभूमि पर। तीन भाई जी मिले हैं, आपका नाम क्या हुआ? हमको नाम अनुज कुमार, देव पूजन कौन, मुकेश कुमार। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम लोग लो गाड़ी पे रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं। अच्छा अच्छा, घर कहाँ हुआ आप लोग? यहीं ना, यही। अच्छा, नाम क्या है? डोभी। अच्छा अच्छा, शुक्रिया आप लोग का मिलने के लिए। जी ठीक है। अभी एक भाई जी मिले हैं, आपका नाम क्या हुआ? नाम नहीं बता सकते। अच्छा, कोई बात नहीं, आप कहाँ के हैं? अच्छा, शुक्रिया मिलने के लिए, ठीक है, फिर हाँ तो मिला सकते हैं, ठीक है। भाई साहब, कितना बड़ा पावर होश है, इतना बड़ा पहली बार देखा बाबू। और अभी मगध विश्वविद्यालय क्रॉस कर चुका हूँ, महात्मा बुद्ध भगवान के स्थान पर एंटर कर चुका हूँ। तो मैं अभी हूँ महात्मा बुद्ध के पावन धरती बोध गया में, और मैं यहाँ लगभग 4 बजे पहुँच चुका था, और मुझे कैंपिंग करने का जगह नहीं मिला, इसलिए फिर लास्ट में रूम लेना पड़ा। यहाँ का पुलिस बहुत हेल्पफुल है, काफ़ी मदद किए और काफ़ी सपोर्ट भी किए। आप सभी को मिलाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को दिल से थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, और गुड नाइट ऑल एवरी वन।